हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो होने वाली है टोटली विंटर स्पेशल रेसिपी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो आज हम बनाने वाले हैं झुनका भाकरी। तो झुनका मतलब होता है बेसन। ये जो है एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों के साग का ट्विस्ट किया है। सरसों के साग से मैंने झुनका बनाया है यहाँ पर। वैसे तो झुनका जो है वो बेसन से बनाया जाता है महाराष्ट्र में, बट मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का साग मिलाया है। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, सरसों का साग मिलाने के बाद जो है झुनका का जो टेस्ट है वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर ना 1 चम्मच के लगभग हमने बेसन लेना है। आप लोग बेसन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, और एकदम ना गाढ़ी वाली घर की बनी हुई या फिर मार्केट की कोई भी दही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दही ना थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाढ़ापन आपके जो बेसन में आप लोग घोल बना रहे हैं वो इतना ही होना चाहिए। अच्छे से घोल के इसको रख देंगे साइड में। फिर एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, जीरा, हरी मिर्ची और कढ़ी पत्ता। ये सब डालने के बाद इनको जो है थोड़ा सा पकने देना है और फिर डाल देना है साथ ही प्याज। तो मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का जो प्याज होता है तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर रही हूँ। प्याज आपने आधे अधूरे से पकाना है, प्याज को बहुत ज़्यादा पकने नहीं देना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे सरसों की भाजी। तो सरसों की भाजी अच्छे से धो लेना है, उसको कट कर लेना है, फिर इसमें डालना है सरसों का साग। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मैंने पतला पतला जो है इनको कट करके रखा हुआ है। फिर इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्ची। यहाँ पे थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है बेसन में मिक्स किया हुआ है, तो इसीलिए। और जो हमारा बेसन का घोल है वो पहले सरसों की भाजी को ना पूरी कढ़ाई में जो है फैला लेना है, और फिर ऊपर से हमने जो बेसन का घोल बनाया है आप उसको चम्मच की मदद से या फिर जिस बर्तन में घोला है उसी बर्तन की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक ही बारी अगर आप लोग एक जगह डाल देंगे ना तो इसको जो है पकाने के लिए हमको पानी की ज़रूरत लगेगी। और अगर ऐसे डालेंगे ना आधा अधूरा, जैसे कि थोड़ा 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 करके डालेंगे, तो इससे जो है ना बेसन जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी ना स्टीम से पक जाएगा। हमको ये थोड़ा सा थिक चाहिए, सो इसीलिए मैं इसको जो है बिना पानी के ही बनाऊंगी। मैंने ऊपर से जो है एक बूंद भी पानी का यूज़ इसमें हमने नहीं करना है। तो इसको ऐसे ही करके फैला के गैस का फ्लेम कम कर दे और इसको ना ढक दे 2 से 3 मिनट तक जो है एकदम मीडियम फ्लेम करके इसको ढक देना है। और फिर 2 से 3 मिनट बाद जो है ढक्कन हटा के इसको चलाना है हल्के हाथों से इधर उधर। और आप लोग देखेंगे ना ये ना मतलब अच्छे से ना पक गया होगा ये बेसन। वैसे पकने के लिए टाइम लेता है, बेसन को हमने जो है वो पानी डाल के ही पकाना पड़ता है, बट मैं यहाँ पर बिना पानी का इसको पकाऊंगी क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा ना पतला नहीं करना है। झुनका जो होता है वो थोड़ा सा कैसे ना वो मोटा ही होता है, थोड़ा थिक ही होता है। तो यहाँ पे ढक ढक के जो है आप लोग को पका लेना है। इजीली बहुत अच्छे से ये पक जाएगा, पकने के लिए टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पर हमारा झुनका जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्लेन और सिंपल सी मैंने आप लोगों को झुनके की रेसिपी बताई है, सरसों के साग की झुनका। तो आप लोग ना ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बनाने में जितनी कम मेहनत है ना इसको, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारा झुनका है वो बनकर तैयार है बिल्कुल। तो अब इसके लिए जो है भाकरी बना लेते हैं। तो भाकरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ज्वार का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब का आटा जो है मिक्स करके भी बना सकते हैं और अलग अलग भी जैसे कि बना सकते हैं। अगर ज्वार नहीं है तो बाजरा यूज़ करें, बाजरा नहीं है तो फिर मक्के का आटा आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ना गुनगुने पानी से जो है यहाँ पर हम आटा लगाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें कोई और आटा मिक्स नहीं किया है। तो गुनगुने पानी से जो है इसका डो बहुत अच्छे से हो जाएगा, फटेगा नहीं और इजीली जो है आप इसे बना पाएंगे। डो इसका जो है ना वो थोड़ा सा गीला ही लगाना है, थोड़ा सा गीला ही आटा लगाना है। और एक पैन लेना, अगर आप लोग पैन में बना रहे हैं ना, पैन में ना थोड़ा सा ना पानी डाल देना है, ठीक है। और पानी डाल के एक लोइया लेके, अपनी मुट्ठी इतनी लोइया लेना है और उसमें हाथ में पानी लगा लगा के उसको जो है फैला देना है। मैं यहाँ पर इनको बिना तेल के ही पका रही हूँ ऐसे ही। ऊपर से चाहे तो आप लोग घी डाल के खा सकते हैं। तो पानी से जो है इनको पका लेना है, मतलब फैला देना है बहुत अच्छे से। हाथ में पानी लगा के फैलाएंगे तो वो आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं और वो इजीली जो है फैल जाएगा। तो इनको जो है कम आँच पर कोई कपड़े से इनको
दबाते हुए जो है बहुत अच्छे से पका लेना है। अगर आप लोग ये जो है लोहे के तवे पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो टेस्ट वैसे दोनों में सेम ही आएगा, बस पकने भर की देरी होती है। इसको पकने के लिए ना टाइम लगता है, क्योंकि भाकरी जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो इसीलिए पकने के लिए टाइम लेता है। लेकिन जब पक जाएगी तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। तो मैंने यहाँ पर दो भाकरी ली हुई है, तो इनको बहुत अच्छे से ऐसे ही धीमे आँच पर पका लेना है। और घी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, किसी को पसंद है तो वो लगाएं, नहीं तो नहीं पसंद है तो आप लोग जो है ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी भाकरी है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम झुनका, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, झुनका एंड भाकरी का, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का साग का भाजी से मैंने झुनका तैयार किया। यहाँ पे बहुत ही प्लेन और सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग कभी बना के देखिएगा, खा के देखिएगा। विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग इसको कभी भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में। और पता ही है कि ज्वार बाजरा ये सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी जैसे कि ठंडी आने वाली है, तो ये सब जो है हमने खाना ही चाहिए, हेल्दी भी है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बनाने में ना सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत है और घर के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो चलिए आप लोग बनाइएगा ज़रूर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।